पटकने कुड़ी ये कितना था छुड़ा को नहीं था फिर मैं बड़ी हिम्मत के मैंने रिक्वेस्ट भी की थी मैं छोड़ देती और मिंजो डाट घूम रहे नहीं। देवभूमि हिमाचल के पालमपुर में हैवानियत की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठी। हम जानबूझकर वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देख आप विचलित हो सकते हैं। पालमपुर बस स्टैंड में दिन दिहाड़े भरे बस स्टैंड में एक युवक ने युवती पर तेज धार हथियार यानी दराट से कई बार हमले किए। सीसीटीवी फुटेज में लगभग 10 से 12 बार युवक ने युवती पर हमला किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे युवक ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। निजी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सालन पालमपुर की रहने वाली है जिस पर मसल नगरोटा के रहने वाले सुमित कुमार पुत्र रमेश कुमार ने दर्राट से हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक पहले लड़की के पास पहुंचता है, एक अन्य युवक भी सुमित के पास पहुंचता है। सुमित ने बैग से दर्राट निकाला और युवती पर एकदम से हमला बोल दिया। साथ खड़े युवक ने जब सुमित की दरिंदगी देखी तो उसने सुमित को धक्का दे डाला, लेकिन लड़के के सर पर भूत सवार था और सुमित ने लड़की पर हमला जारी रखा। आसपास के लोग लड़की को बचाने की हिम्मत तो जुटा रहे थे मगर काफी देर हो चुकी थी। उतने में सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए युवक ने सुमित को पकड़ा और अन्य लोग भी आकर सुमित पर झपट गए और उसकी जमकर पिटाई भी कर डाली और अंततः उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है जिसे टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया है। युवती पर 10 से 12 बार हमला हुआ है और आखिर कैसे हमला हुआ सुनिए। फिर मैं बड़ी हिम्मत के मैंने रिक्वेस्ट भी की थी मैं छोड़ देती और मिंजो डाट घूम रहे उसके बाद इससे डराट बड़ी मुस्कान होता उसके बाद पब्लिक पाई और मैं फिर पहले किसी ने कोशिश नहीं की जब लोग थे वहाँ पे बहुत लोग थे बस लोग थे पर मैंने कोशिश की मैंने छुड़ा लिया लड़की को। उसके बाद लड़की को मैं अपनी स्कूटी कोई गाड़ी लेके आ नहीं रहा था अपनी स्कूटी में बिठा के लड़की को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लेकर थे स्कूल वर्दी पाई हुई उन्हें उतरा कर इन्हें घूमया कने तिनी मारे पटकने कुड़ी है कितना था बची आए भाई ये तू बच जाने पूरा फटी गया कुड़ी है कितने मोड़ बचाने था थल्ले कने मुंडे मारे फटती ना ये तू बच गया बाढ़ बुट कटोई हो कड़ा कटोया पिट्ठे पे हो पूरे हाले कटोया खून ही खून चलिया सब फिर भाई आए इन्हें दराट कितने लोग आए कटोए इन्हें गिंजा दराट फिर बची पकड़ी। एक युवक ऐसा भी था जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस दरिंदे यानी सुमित को पकड़ा और फिर सभी ने हमला कर दिया। मामले की पुष्टि एडिशनल एसपी हितेश लखनपाल ने की है। उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। अभी हमारे सामने एक घटना पालमपुर की सामने आई है जहां पर बस स्टैंड जो है पालमपुर का वहां पे एक युवक जो है युवती को दराट से उसको मार रहा है अपने काफी उसको चोट पहुंचाई है। युवती को जो है अभी टांडा रेफर किया गया है और युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आरोपी को अभी हमने डिटेन करके रखा हुआ है। बाकी मौके की कार्रवाई अभी चल रही है जैसे ही कोई और अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूंगा।